ओम श्री गणेशाय नमः माय फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और मैं आप सबसे आज ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं आज ये जो रीडिंग बना रही हूँ ये करंट फीलिंग्स के ऊपर बना रही हूँ, आप लोगों की आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स के ऊपर बना रही हूँ। तो जितना रेजोनेट हो प्लीज़ उसी को लीजिएगा, जो ना हो उसे अपने ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज मत कीजिएगा। और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। काफ़ी लोग अभी भी एनर्जी क्लेम नहीं करते हैं, सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एनर्जी क्लेम किया करें, तभी मुझे पता लगेगा कि ये रीडिंग्स आपसे मैच हो भी रही हैं कि नहीं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एनर्जी क्लेम करा करें, ठीक है। और मैं अब रीडिंग स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। ऑल राइट, सो लियो राशि, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स। देखिए सबसे पहला कार्ड आया है द टावर का। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस एंड थ्री ऑफ वंड्स। देखिए लियो राशि, ये आपको भी पता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा एक ऐसा पैनिक मोड आया है जिससे चीज़ें शायद अस्त व्यस्त हो गई हैं और रिश्ते की फाउंडेशन को बहुत बड़ा झटका लगा है। या तो आप उनकी तरफ से हुआ है या उनकी तरफ से हुआ है, जो भी हुआ है, पर दोनों में से एक पर्सन वॉकआउट कर गया है रिलेशनशिप से, या फिर बिल्कुल बात नहीं कर रहा, बिल्कुल कॉन्टैक्ट में नहीं है और शायद झगड़ा भी काफ़ी लेवल तक चला गया है। चीज़ें इस तरह से मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जो भी आपके पर्सन हैं, जिससे भी आप डील कर रहे हैं, आप भी, और किंग ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है, और देख रहे हैं कि ये कैसे इस तरफ मुंह करके बैठी है और वो इस तरफ, तो डेफिनेटली अब आप दोनों के बीच में कुछ इसी टाइप का रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है। और आप भी शायद उनसे बातचीत नहीं कर रहे, मे बी चांसेस हैं कि आप बहुत ही कम बोल रहे हो एक दूसरे से। एम्प्रेस से वो अभी भी डेफिनेटली आपके लिए अपने मन में उनके विचारों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको आज भी उतना ही वो करते हैं, लेकिन जो एक चीज़ों में जो एक खटास आ जाती है या एक कड़वाहट आ जाती है, अगर आप सोचें कि वो रातों रात ठीक हो जाएगी या आपकी तरफ वो एकदम से पॉजिटिवली कुछ करेंगे, तो वो थोड़ा सा टफ लग रहा है। मैं उनकी इंटेंशंस देखती हूँ, क्या इंटेंशन वाइज लियो राशि के क्या पर्सन चाहते हैं। देखिए फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, द व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है, लवर्स का आ गया, देख रहे हैं आप, और एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए अगर मैं इंटेंशंस कहूँ तो आपके पार्टनर आज भी आपके लिए सिंसियर हैं, वो कहीं ना कहीं आपके साथ आने वाले टाइम में शायद शादी या कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, बिकॉज उनकी फीलिंग्स आज भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। शुरू में भी आपने देखा होगा वो आपको एम्प्रेस ही समझते हैं अपनी लाइफ का, तो आज भी वो आपको वैसा ही देखते हैं और वैसा ही आपके लिए फील करते हैं। लेकिन और देखिए चांसेस हैं कि वो अपनी तरफ से, अगर मैं इसमें देखूँ क्या लियो राशि के पार्टनर कम्युनिकेट करेंगे, तो देखिए हो सकता है करें, हो सकता है करें, और स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर उनकी तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं या फॉरगिवनेस की ज़रूरत है तो चांसेस हैं, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, फोर ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कार्ड इंटेंशन वाइज कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव एंड थिंग्स विल मूव फर्दर, चीज़ें बदलेंगी और आपके लिए पॉजिटिव होंगी आने वाले टाइम में, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून गुड लक का कार्ड होता है, ठीक है। अब मैं उनके आपके पार्टनर के लव मैसेजेस देखती हूँ और फिर उसके बाद हम उनकी तरफ से लव मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर के। यू डू सिली थिंग्स फॉर मी, मे बी आप उन्हें स्पेशल फील कराने के लिए बहुत सारी ऐसी सिली चीज़ें, सिली बातें करते होंगे जिनसे वो हंसें या खुश रहें, एंड यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन। तो डेफिनेटली आप उनको एक पॉजिटिव पर्सन बनाने के लिए, उनको हैप्पी फील कराने के लिए ये सारी चीज़ें उनके लिए करते होंगे। ये उनकी फीलिंग्स हैं, ये वो सोचते हैं आपके बारे में, तो ये आपके पार्टनर के लव मैसेजेस हैं।
नेक्स्ट हम निकालते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस। तो डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं कि ये करंट फीलिंग्स देखने के बाद डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो डिवाइन की गाइडेंस देखते हैं फ्रेंड्स। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। तो डिवाइन आपके साथ है, आपको साथ देगा आपका, और आप मिरेकल्स एक्सपेक्ट करें। देखिए कैसे ये अपने हैंड से आपको ऐसे करके आशीर्वाद सा दे रहे हैं, तो मिरेकल्स होंगे, चीज़ें आपकी तरफ पॉजिटिवली आएंगी, बढ़ेंगी, और मेन है कि डिवाइन आपके साथ है। और प्यार जो है वो हमेशा रियल होता है, तो वो चीज़ पे आप थोड़ा सा ट्रस्ट रखें डिवाइन पे। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो अगर आपकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिससे सामने वाले लोगों को लग रहा है कि आप थोड़ा सा ग्राउंडेड नहीं हैं, चीज़ें थोड़ा सा आपको भी लग रहा है कि आप अपना बैलेंस खो रहे हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल या टू मच इमोशनल हो रहे हैं, तो चीज़ों को आप भी अपने लेवल पर थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करें, ग्राउंडेड रहें, और लोगों को थोड़ा सा हो सके, क्योंकि देखिए आपके पर्सनल कार्ड में क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स आया था, पार्टनर आपके साथ बहुत हार्श है, और मे बी उसका ही सेम रिएक्शन आप भी दे रहे होगे, आप भी बहुत हार्श हो गए होगे, तो वो हार्शनेस आप उस लोगों के साथ मत करें, ग्राउंडेड रहें, ठीक है। सो होप आपको ये दोनों मैसेजेस क्लियर हो, रीडिंग पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे एनर्जी क्लेम करना, अगर मैच हुई हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, ठीक है। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।